आजा भाई आजा, दिल से कह रहा हूँ यार थोड़ा पानी। ये थैंक यू सो मच भाई। Do you remember how you held me then? सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कानपुर। ट्रेन नंबर है 04101 इंटरसिटी ट्रेन। कुछ इस प्रकार मुझे टिकट मिली है कानपुर के लिए। ये भी स्पॉट काफी अच्छा है पर यहाँ पे अभी पिछले 15 दिन के अंदर कुछ घटनाएं हो गई है, तो यहाँ पर पुलिस वालों ने काफी सख्ती रखी हुई है। तो घूमने टहलने पे पाबंदियाँ हैं, ऐसे डाउन है। बाकी घूमने के अगर हिसाब से आप बाद में आना चाहो तो गंगा बैराज भी नॉट ए बैड ऑप्शन। जस्ट अभी हम लोग आ गए चिड़ियाघर। अभी इस समय हम लोग हैं कानपुर जू में, जो कि हमारे लोग का बैग भी चेक हो गया अंदर आने से। और क्या कहते हैं, 70 रुपीज़ टिकट लगी। सारस भैया प्लीज हमारे दर्शकों को तो लाइक सब्सक्राइब कर दें यार, चैनल बोल दो भैया, बोल दो। नहीं बोलोगे भैया, ठीक है धन्यवाद, बाय बाय। कृपया करके गर्मियों में मत आइए गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, स्किन डैमेज हो जाती है। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत करता है यार, इतना तो एक लाइक बनता है भाई। आजा भाई आजा, दिल से कह रहा हूँ यार थोड़ा पानी से तो निकल ले भाई। ओ भाई ये 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 थैंक यू सो मच भाई।
आपको बता दूं ये मंदिर जेके टेंपल से कानपुर में फेमस है। वैसे तो इसकी ओपनिंग हुई थी 2 मई 1960 ईस्वी में, ये खोला गया था। सो चलिए आपको सारा व्यू दिखाता हूँ इस मंदिर का, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। माफ़ करिएगा, आप लोग को अंदर का माहौल नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पर। सो आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए बाहर का व्यू। मैं अंदर का व्यू देखा, बहुत भव्य मंदिर है ये जेके टेंपल। सो आप कभी कानपुर आएँ तो कृपया करके शनिवार और रविवार को मत आइएगा, नहीं तो आपको बंद ही मिलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं फिर से एक बार।